दिखाएंगे जी एक सेट जो एक मेमोरी कार्ड और एक पेन ड्राइव उसको जब कंप्यूटर में हम लोग लगाते हैं तो वो क्या दिखाते हैं जी नॉट फॉर्मेटेड वांट टू फॉर्मेट लाइक बट उसको फॉर्मेट करने के टाइम में वो फॉर्मेट नहीं हो रहा है, दिखा रहा है विंडो इज नॉट सपोर्टेड फॉर दैट फॉर्मेटिंग। लाइक ऐसे सब सेट में जो मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव में हम लोग कैसे उसको फॉर्मेट करेंगे और कैसे उसको ठीक करेंगे वो आज दिखाएंगे। पूरे प्रोग्राम में हूँ मैं संजीव पंडित, है संजय शर्मा, देखिए कैसे होता है। संजय तो आज हम लोग दिखाएंगे एक पेन ड्राइव है इधर, इस पेन ड्राइव में पहले देखते हैं इस कंप्यूटर में लगाने के बाद क्या शो कर रहा है। ये जस्ट यूएसबी कनेक्ट करने के बाद क्या शो कर रहा है अभी देखना है। कनेक्ट करने के बाद क्या आ रहा है, फॉर्मेटिंग मांग रहा है। ये फॉर्मेटिंग में क्लिक, फॉर्मेट डिस्क में क्लिक, उसके बाद ये आया फॉर्मेटिंग करने के लिए क्विक फॉर्मेट एंड स्टार्ट। हम लोग जो करते हैं नॉर्मली स्टार्ट और एंड ओके, क्या मैसेज आ रहा है, विंडोज वाज अनेबल टू कंप्लीट द फॉर्मेट। ऐसा बहुत सारा पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड और हार्ड डिस्क में ये सब प्रॉब्लम आता है, तो इस प्रॉब्लम से कैसे मतलब कैसे सॉल्व करना है वही दिखाएंगे आज। तो इसके लिए जो करना पड़ेगा, पहले आपका कंप्यूटर में विंडोज जो बटन है विंडोज और आर ये दोनों को पकड़ के रन रन लाना पड़ेगा, रन ऑप्शन लाना पड़ेगा। उसके बाद रन में जाके ये लिखना पड़ेगा सीएमडी, सीएमडी लिखने के बाद ओके, ओके करने के बाद देखो एक विंडो आ गया इधर। अभी इधर टाइप करना है डिक्स पार्ट DISKPART, उसके बाद इंटर, ठीक है। इंटर करने के बाद अभी इधर एक स्पेस बार ब्लिंक कर रहा है, डिस्क पर आ गया। इसके बाद लिखना है लिस्ट डिस्क LIST लिस्ट स्पेस डिस्क DISK लिस्ट डिस्क, इसके बाद इंटर। मतलब क्या क्या डिस्क है इसमें, मतलब मेरा जो पेन ड्राइव लगा है इसमें वो देखना पड़ेगा कितने नंबर में शो कर रहा है। इधर देखो एक नंबर में वह है 1.9 GB, मतलब इसका जो इंटरनल हार्ड डिस्क है। दो नंबर में शो कर रहा है ये 4 GB का जो पेन ड्राइव है, मतलब जो लगा है इधर, मतलब ये 4 GB का पेन ड्राइव है। अभी लिखना पड़ेगा सिलेक्ट, मतलब ये सिलेक्ट करना पड़ेगा डिक्स टू SELECT सिलेक्ट डिस्क DISK कितना टू, मतलब सिलेक्ट के बाद स्पेस उसके बाद डिक्स उसके बाद स्पेस देके टू एंटर। क्या आया, सिलेक्टेड हो गया है। अभी लिखना पड़ेगा क्लीन CLEAN क्लीन, उसके बाद इंटर, हो गया क्लीन। अभी लिखना पड़ेगा क्रिएट पार्टीशन CREATE क्रिएट पार्टीशन PARTITION क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी PRIMARY क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, उसके बाद इंटर, हो गया सक्सेस। इसके बाद लिखना पड़ेगा, पार्टीशन तो हो गया, अभी लिखना पड़ेगा फॉर्मेट FORMAT फॉर्मेट, फॉर्मेट के बाद लिखना पड़ेगा FS = FAT 32 स्पेस देके क्विक QUIC जो फॉर्मेट पे हम लोग क्विक में काम करते हैं वही सेम फंडा डॉस मोड में हो रहा है क्विक, इसके बाद एंटर। फॉर्मेटिंग चालू हो गया है, 0% दिख रहा है, इसके बाद 100% आ जाएगा। ये देखो 100% कंप्लीटेड द, ये 100% कंप्लीटेड, मतलब ये फॉर्मेट हो गया है। अभी इसको क्लोज कर देना पड़ेगा, अभी देखना पड़ेगा जो पेन ड्राइव कनेक्ट किया था वो ओपन हो रहा है या नहीं। इसके लिए माई कंप्यूटर ओपन करके रखते हैं, ये इसका पेन ड्राइव मैं खोलता हूँ एक बार, चला गया, खोल दिया। इसके बाद फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ, वो जो पेन ड्राइव था पहले दिखाया था फॉर्मेट नहीं हो रहा था, आ गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये देखो पूरा खुल भी जा रहा है, फॉर्मेट नहीं मांग रहा है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसे ही पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड जो फॉर्मेटिंग नहीं हो रहा है ऐसे हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक, कोई भी दिक्कत आएगा तो काम करने के टाइम में हम लोगों को फोन कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9831463802 और आप कलकत्ता टेलीकॉम आइनॉक्स का एडवांस लैब में भी आ सकते हो।
तो हमारा SMS भी आप कर सकते हो। फिर एक बार हमारा मोबाइल नंबर 9831463802। नमस्ते नमस्ते।